हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप एमएस वर्ड के अंदर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बना सकते हैं। वैसे मैंने फ़ोटोशॉप और कॉलड्रॉ के अंदर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप चाहें तो प्राई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका मैंने वहाँ पर बताया हुआ है दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर, फ़ोटोशॉप और कॉलड्रॉ। जिनको आता है वो बना सकते हैं और जिनको नहीं भी आता है उनके हिसाब से मैंने वो वीडियो बनाई हुई है। जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको फ़ोटोशॉप और कॉलड्रॉ नहीं आता, वो उस वीडियो को देखने के बाद एक ही बार में अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है खुद से बना सकते हैं। लेकिन जो फ़ोटोशॉप नहीं चलाना जानते और जो चलाना भी नहीं चाहते, बट लेकिन वो एमएस वर्ड में, क्योंकि एमएस वर्ड तो आजकल हर कोई चलाता ही है, थोड़ा बहुत तो सबको आता है, पूरा ना आता हो पर लेकिन थोड़ा बहुत सबको आता है। इसमें भी मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताऊँगा कि आप एमएस वर्ड के अंदर भी अपनी खुद से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना एमएस वर्ड ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर, अभी हमारे को यहाँ पर एक पेज यू है लेना होगा। पेज लेने के लिए आप यहाँ पर फाइल में जाएंगे, ये रहा हमारा फाइल, और यहाँ से हम एक ब्लैंक पेज ले लेंगे। मैं यहाँ से एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, ये रहा ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर जो एमएस वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं 2016 यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई सा भी यूज़ कर रहे हो, तरीका सेम यही रहेगा। सबसे पहले आपने पेज ले लिया, अब हमें पेज का साइज़ लेना होगा। पेज का साइज़ लेने के लिए आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ऊपर मेन्यू बार, आप यहाँ पर लेआउट में जाएंगे, ये रहा लेआउट, आप लेआउट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप थर्ड वाला ऑप्शन देख रहे हैं, 1 2 3, थर्ड पे साइज, आप यहाँ पर साइज में जाएंगे। वैसे यहाँ पर देखिए लेटर है, अगर आप चाहें तो इस पर रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है, बट लेकिन फिर भी आप A4 उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको A4 सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से इसको A4 सिलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, ये देखिए हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर है अभी, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो हमें इसका भी मार्जिन लेना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं ये हमारी जो पासपोर्ट साइज़ इमेज है वो यहाँ से स्टार्ट ना होने के बजाय यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है, ताकि हमारा पेज यहाँ से वेस्ट ना हो प्रिंट होने के बाद। तो आप यहाँ पर मार्जिन में जाएंगे, लेआउट पे ही रहने दें, मार्जिन, मार्जिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप नैरो कर लीजिएगा। अब देखिए हमारा ये कर्सर कहाँ चला गया, अब हमारा इतना मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम अपनी उस इमेज को यहाँ पर लेके आएंगे जिसकी हमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनानी है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सा तरीका बताऊँगा आपको। सबसे पहले हम यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, ये देखिए फाइल, होम, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट पर गए। इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख रहे हैं आप, पिक्चर्स, आप पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर आपसे पूछेगा इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम दिस डिवाइस ऑनलाइन पिक्चर। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप नीचे वाले पर क्लिक करेंगे, अगर आप अपने डेस्कटॉप या अपने लैपटॉप से पिक्चर आपने रखी हुई है तो वहाँ से आप दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर से पिक्चर लूँगा जो मैंने अपने डेस्कटॉप पर रखी हुई है, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप अपनी लोकेशन पर जाएंगे कि आपकी जो इमेज है वो किस लोकेशन पर रखी हुई है। मैंने यहाँ पर अपनी इमेज डेस्कटॉप पर रखी हुई है, मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं अपनी इस इमेज को सिलेक्ट कर लूँगा, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसे इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद हमारी इमेज जो है देखिए यहाँ पर आ गई है, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखाइए, बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ी सी काफ़ी हाई क्वालिटी इमेज है, इसको मैंने यहाँ से कर लिया छोटा, ठीक है, फाइल पर क्लिक कर देते हैं। अभी क्या होगा, देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे हमारी इमेज आई है, अब मैं यहाँ पर बाहर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, ऊपर जो मेन्यू बार है यहाँ पर सिर्फ हमारा व्यू के बाद हेल्प दिखा रहा है, हेल्प के बाद हमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा। बट लेकिन अब मैं इस इमेज को यहाँ पर क्लिक करता हूँ और तो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर फॉर्मेट आ जाएगा, बट लेकिन बाहर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से पिक्चर फॉर्मेट का जो ऑप्शन है वो चला गया। कहने का मतलब जब तक आप अपनी इमेज पर जो हमारी पिक्चर है उस पर उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये हमारा पिक्चर फॉर्मेट का जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा। देखिए देखिए मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। अब हम अपनी इमेज को जो है क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए आप यहाँ पर देखिए पिक्चर फॉर्मेट पर हमने क्लिक किया, उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे क्रॉप में और यहाँ से हम इसे क्रॉप करेंगे, ठीक है, आप इसे यहाँ से इस तरह से क्रॉप कर लीजिएगा। अपने हिसाब से आपको अपनी इमेज जो है क्रॉप करनी है, ठीक है, ना ही ज़्यादा आपको छोटी रखनी है ना ही ज़्यादा बड़ी, बिल्कुल ठीक ठाक आपको अपनी इमेज जो है यहाँ से क्रॉप कर लेनी है। तो थोड़ा सा ऐसे इसको बड़ा कर देता हूँ, ये हमारी इमेज जो है यहाँ पर क्रॉप हो चुकी है। बहुत ही आसान सा तरीका है, ध्यान से देखिएगा, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा, ये हमारी इमेज होगी क्रॉप, ठीक है, अब इसे हम क्रॉप कर देंगे, ये हमारी इमेज क्रॉप हो चुकी है, ठीक है। अभी हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये लगभग हम इसे यहाँ तक छोटा कर लेंगे, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है इसमें,
अब मैं इस इमेज को यहाँ से इस इधर लेके जाना चाहता हूँ, पर ये इमेज मेरी देखिए यहाँ से इधर नहीं आ रही है, यहाँ नीचे हो रही है, देखिए ना लेफ़्ट हो रही है ना ही राइट हो रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पिक्चर फॉर्मेट पर ही रहने दें, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है लेफ्ट टेक्स्ट पे, ये देख रहे हैं आप लेफ्ट टेक्स्ट पोजीशन के नीचे है लेफ्ट टेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप स्क्वेयर कर लेंगे। जैसे आप स्क्वेयर करेंगे अभी आपकी इमेज जो है आप कहीं भी इसे यहाँ से मूव कर सकते हैं, इस तरह से कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी इमेज साफ़ नहीं है, आप अपनी इमेज को साफ़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से अपनी इमेज को साफ़ भी कर सकते हैं। देखिए अभी जो हमारी इमेज है नॉर्मल है, आप चाहें तो इसको यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से अपनी इमेज को कितना साफ़ करना चाहते हैं उतना आप यहाँ साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। आपकी इमेज अगर साफ़ नहीं है तो मैं ज़रा देखिए और भी यहाँ पर जरूरत है, मैं इस वाले पर क्लिक करता हूँ, देखिए हमारी इमेज और साफ़ हो गई, बट लेकिन मेरी इमेज जो है वो अभी ठीक है, मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाने वाला क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हमें इसको क्या करना है, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इमेज का साइज़ जो है ज़्यादा छोटा ना करिएगा, नहीं तो इमेज आपकी जो है बहुत छोटी नज़र आएगी, ठीक है। आप यहाँ से साइज़ देख लीजिए, मैंने ये इसका ये साइज़ रखा हुआ है, ये बिल्कुल मैंने परफेक्ट रखा हुआ है, आप अपना साइज़ यही रखिएगा। आप जब यहाँ से इसको इस तरह से करेंगे तो ये आपका साइज़ अपने आप यहाँ से बड़ा छोटा होगा, तो मैं यहाँ से अंडू कर देता हूँ, ठीक है। इतना साइज़ आपको रख लेना है अंदाजे से। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको एक आउटलाइन देंगे, इसको बॉर्डर देंगे। बॉर्डर देने के लिए देखिए आप यहाँ पर जाएंगे, पिक्चर बॉर्डर, ये रहा हमारा पिक्चर बॉर्डर, आप पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे, ये देखिए। उसके बाद आप देख लें कितने, आप यहाँ पर क्लिक करिए कितने देना चाहते हैं आप इसको, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा मुझे लगता है, ये अभी ठीक है। तो हमने इसको एक नॉर्मल सा पिक्चर बॉर्डर दे दिया है ताकि हमारी इमेज अलग से नज़र आए, देख रहे हैं पासपोर्ट साइज़ हमारी इमेज जो है बन चुकी है। उसके बाद हम इस इमेज को यहाँ पर लेके आएंगे, अब हम अपनी इमेज को यहाँ से पकड़ेंगे और कंट्रोल डी करेंगे तो हमारी इमेज की जो है डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। अब हम अपनी इमेज को यहाँ इसके साइड में ले आएंगे और यहाँ रख देंगे, फिर से हम कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे और इसको इमेज को यहाँ से लेके यहाँ ला के छोड़ देंगे, फिर हम कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे, इसकी आपको डुप्लीकेट्स कॉपी बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल फिर डी प्रेस करेंगे और हमारी इमेज यहाँ पर आ जाएगी, देखिए हमारी इमेज जो है सेट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, ये थोड़ा बहुत बीच में मार्जिन है, आप इसको अपने तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कटिंग का मार्जिन हमने छोड़ दिया है, यहाँ पर हमारी इमेज जो है सेट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके रखना और इनको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है सभी को, ये मैंने इनको सिलेक्ट किया। अब आपको फिर से अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट इमेज बन गई और हम इनको इस तरह से नीचे ले आएंगे और फिर हम कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे और फिर हमारी इमेज जो है नीचे आ जाएंगे और हमने इनको भी देखिए सेट कर दिया। अब हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हम फिर से कंट्रोल प्लस डी करेंगे और ये देखिए दोबारा से हमारी इमेज की जो है डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, फिर कंट्रोल प्लस डी करेंगे फिर बन जाएगी। इस तरह से आप अपनी जितनी पासपोर्ट साइज इमेज जो है बनाना चाहें उन्हें बना सकते हैं। मैं आपको छोटा छोटा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, और ये हमारा जो इमेज है देखो हमारी पासपोर्ट साइज इमेज जो है अभी तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप खुद से अपनी एम एस वर्ड के अंदर पासपोर्ट साइज जो है फ़ोटो बना सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका था। आप इसे खुद से भी प्रिंट कर सकते हैं, अगर आपके पास एक प्रिंटर है तो आप इसे खुद से प्रिंट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपकी जो है इमेज की जो है क्वालिटी आएगी। अगर आप चाहें आपके पास कोई प्रिंटर नहीं है तो आप इसको नज़दीकी शॉप पर जाकर जो है प्रिंटर की जो शॉप होती है वहाँ से भी इसको प्रिंट करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, थैंक यू।